हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और ऐसा टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर क्यों ऑडिट किया जाता है, ये आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ एक और टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, वो ये है कि ऑडिट के समय पर आपके कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो पकड़े जा सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं जिसको देखने के लिए मेन तरीके से ऑडिट किया जाता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के मिल सकते हैं, जिसके लिए सेम क्वेश्चन आपका जो है सेम आंसर आप लिख के आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथ, ताकि जितने भी हम फ्यूचर में वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब ऑडिट होता क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये चेक करने के लिए कि आपने जो अकाउंटिंग की है क्या उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की, कोई उसमें आप जो है कुछ घपले तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आपका प्रॉफिट 10 रुपये और आप 100 रुपये दिखा रहे हो, या 100 रुपये है और उसको 10 रुपये दिखा रहे हो कि टैक्स बच जाए। तो इस तरीके से आपके अकाउंट्स का एक तरीके से चेक करना कि आप अपने अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे, और जैसी आपकी फाइनेंशियल स्थिति एक्चुअली में है वही आप अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हो, तो उसके लिए ऑडिट किया जाता है कि आपका देखा जा सके कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करो। अब ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, उसी तरीके से ये जो ऑडिट का पॉइंट है उसके पीछे भी एक उद्देश्य है, उसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब वो क्या है, तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, पहला आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बांटे गए हैं आपके ऑडिट के। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, यानी कि बाकी चीजें बाद में, पर ये काम अगर हो रहा है तो इसका जो मेन रीजन है सबसे पहले ये रीजन है। तो क्या रीजन है, मेन पर्पस जो ऑडिट का होता है वो ये होता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जज करना, उस पर अपने फेयर जो है एक तरीके से व्यूज जो है ऑडिटर प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो कह रहा है ये सत्य कह रहा है, इसके रिकॉर्ड्स जो कह रहे हैं ये सच है, इसने कोई घपला करके अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स अकाउंट्स को छेड़छाड़ नहीं किया है। तो ये सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। सो द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू डिटरमाइन एंड जज द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द सपोर्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका रिलायबिलिटी चेक करना कि ये कितनी रिलायबल है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, एंड द सपोर्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और उसके साथ साथ जो भी सपोर्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनका भी आप जो है रिलायबिलिटी चेक करें, वो जो कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड का होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल का उठा करके ऑडिट हो रहा है, नहीं, एक एक साल का जो जो फाइनेंशियल पीरियड होता है उसके जो है एक ऑडिट किया जाता है। कंपनीज एक्ट 1956 कहती है कि एक ऑडिटर को अपनी जो है जो भी कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उस पर अपना जो भी एक तरीके से उसके विचार विमर्श है, जो भी उसका विचार है कि हाँ भाई इसके स्टेटमेंट में ये सत्य है या असत्य है, ये जो है बिल्कुल सही है या ये गलत है, वो प्रेजेंट करे, वो बताए, अपना ओपिनियन दे और डिस्क्लोज करे कि उसके अकाउंट पे जो भी उसके अकाउंट्स को जो भी उसके व्यूज़ हैं, फेयर व्यूज़ है, वो चीज़ें वो निकाले। तो कंपनीज एक्ट 1956 जो है रिक्वायर करती है क्या, कि एक ऑडिटर जो है ऑफ कंपनी has to state whether in his opinion the accounts disclose a true and fair view of the state of company's affair. तो उसको बताना पड़ेगा ऑडिटर को कि जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उसमें जो भी अकाउंट्स डिस्क्लोज किए जा रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे रहे हैं या नहीं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव मेन है कि आपका जो है डिस्कस बताया जाए कि हाँ भाई एक्चुअली में क्या उसकी फाइनेंशियल स्थिति है या उसने कुछ गलत तो नहीं किया, अपने व्यूज़ दें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा कुछ चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो अब थोड़ा सा डीप जा कर के बात करती है कि अगर अंदर जा कर के अकाउंट्स के अंदर जा कर के कुछ छेड़खानियाँ की गई हैं तो उसको जो है आप ढूंढ के निकालो एज एन ऑडिटर, और उसको निकाल करके सामने लाओ कि भैया ये गलती तुमने की है। एंड ऑडिटर हैज़ टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। अब एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसके
एग्जामिन करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है ऑडिट उसको देखने के लिए कि भाई ये अगर एंट्री की गई है तो क्यों की गई है, उन सबको जो है चेक करना पड़ेगा. रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस, की जो भी आपकी फाइनेंशियल आप दिखा रहे हो कंडीशंस उसको देख करके जो भी आपकी एक तरीके से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको चेक करने पड़ेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ सच एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अकाउंट सर्टन एरर एंड फ्रॉड्स मे बी डिटेक्टेड. जब आप इतना डीपली चेक करोगे तो ऑब्वियसली आपको कई सारे ऐसे फ्रॉड्स एंड चीज़ें डिटेक्ट होंगी, एरर्स डिटेक्ट होंगे. अब वो फ्रॉड्स और एरर्स कैसे हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए. डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर. अब यहाँ पे जो है एरर आपके हो सकते हैं क्लेरिकल एरर. ये कौन से एरर होते हैं, आप जहाँ पे गलत एंट्रियाँ पास कर देते हो, जहाँ आप गलत पोस्टिंग कर देते हो. अब इसमें भी आपके कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन. ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे. एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ये आपका कॉस्ट होता है जहाँ पे आप रॉन्ग पोस्टिंग कर देते हो, या तो आधी एंट्री आपने गलत पास कर दी या तो पूरी एंट्री आपने गलत पास कर दी. एरर्स आर कॉस्ट ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टिंग एदर होली और पार्टली ऑफ द अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर अकाउंट और रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग टोटलिंग बैलेंसिंग एंड रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक. यानी कि चढ़ाना किसी और के अकाउंट में था, चढ़ा किसी और के अकाउंट में दिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी. जिसके लेजर में पोस्टिंग करनी थी उसकी जगह किसी और में कर दी, राम से पैसा आया शाम को मैं चढ़ा दिया कि भैया शाम ने दिया है, तो ये क्या है, यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन है. वहीं एरर ऑफ ऑमिशन क्या होता है, एरर ऑफ ऑमिशन होता है जहाँ पे आपने क्या किया, जहाँ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, ऑफ ओरिजिनल एंट्री और पोस्टेड टू द लेजर. ठीक है, सच एरर अराइज व्हेन द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और पोस्टेड टू द लेजर. जहाँ पे आपने एंट्री चढ़ाई ही नहीं, ओरिजिनल एंट्री जो थी वो पोस्ट ही नहीं की और लेजर भी नहीं किया. कंपनसेटिंग एरर्स, व्हेन टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे दैट द रिजल्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द ऑल डेबिट एंड क्रेडिट इज निल, दे आर रेफर्ड टू एज कंपनसेटिंग एरर. देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने दो गलतियाँ की, ठीक है, दो गलतियाँ की. अब दोनों गलतियों से क्या हुआ कि जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ गए हैं वो सेम ही रहेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा स्थितियाँ चेंज नहीं हुई. आपने यहाँ पे एक गलती की, यहाँ पे एक गलती की. अब ये दोनों गलतियों ने क्या किया, एक दूसरे का जो भी इफेक्ट पड़ रहा था वो घटा दिया. ठीक है, एक दूसरे का जो इफेक्ट पड़ रहा था वो घटा दिया. जैसे आपने डेटर से जो है पेमेंट आई और क्रेडिटर में चढ़ानी थी या कुछ गलती करी, तो यहाँ पे जो बैलेंस बना वो इक्वल हो गया. तो नील बट्टे सन्नाटा अगर उसने बना दिया है तो वो आपका आ गया कंपनसेटिंग एरर, यानी कि ऐसे एरर जिन्होंने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया है, तो ये आपके हो गए कंपनसेटिंग एरर्स. तो जब आप चेक करोगे तो आप डिटेक्ट करोगे और जो है देखोगे कि आपके कौन कौन से एरर हुए हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर. अब बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स. अब प्रिंसिपल्स के भी एरर्स हो सकते हैं. प्रिंसिपल्स यानी हर चीज़ों को जो है फॉलो करने का तरीका होता है. उसी तरीके से अकाउंट्स में फॉलो करने का तरीका है कि आपको ये चीज़ ऐसे ही फॉलो करनी है. अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ जो है कन्वेंशंस है कि आपको ये फॉलो करोगे और तभी आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे. आपने वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही कोई एक ऐसा था जो कि आपने देखा इन्हें इग्नोर मार दिया और इसको इग्नोर करते हुए अपनी मन मर्जी की अकाउंटिंग करी, तो वहाँ पर कहते हैं उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल. सच एरर्स आर कमिटेड व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. जैसे कि आपका होता है कि आप जो है अपने स्टॉक किस पे वैल्यू करोगे, आपका जो भी मार्केट वैल्यू होगा या फिर जो आपके एक्चुअल बुक में वैल्यू होगा उसमें से जो भी कह सकते हो आप जो भी विच एवर इज लेस आप उस पर रिकॉर्डिंग करते हो, बट अगर आपने वो प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया कोई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स. कि आप डिटेंशन करोगे कि कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ और उसका प्रिवेंशन करोगे. अब फ्रॉड्स जो है वो ऑब्वियसली हर जगह होते हैं. अब या तो वो जो है इंटेंशनली हो सकते हैं या फिर गलती से हो सकते हैं, भैया गलती हो गई ऐसा भी हो सकता है. तो या तो आपने गलती से किया या फिर जो है जानबूझकर हुआ, तो ये आपके फ्रॉड्स ऐसे हो सकते हैं. नॉर्मली कई जगह पे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि अगर प्रोप्राइटर है कोई ऑर्गेनाइजेशन का तो वो अपने बेनिफिट के लिए देखेगा और फिर फ्रॉड जो है उसमें क्लेम करा लेगा. तो ये फ्रॉड्स का भी अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स बने हुए होते हैं जिसको डिटेक्ट करना जरूरी होता है. ऑब्जेक्टिव होता है आपका कि डिटेक्ट करो कि कौन कौन से फ्रॉड हैं. तो फ्रॉड्स में भी आपका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है मिस अप्रोप्रिएशन और डिफैल्केशन या फिर फॉल्सिफिकेशन और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. मिस अप्रोप्रिएशन में आपका कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है या फिर गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है.
है वहीं पे फॉल्सिफिकेशन में आपका विंडो ड्रेसिंग हो गया या फिर सिगरेट रिजर्व्स हो गया, इस तरीके से आप फॉल्सिफिकेशन कर सकते हो। मिस अप्रोप्रिएशन और डिफलोफेलिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो रहा है, यानी कि आपके पास कैश आया पर आपने जो है जो कैश आपने रिसीव किया है अपने अकाउंट्स में वो नहीं दिखाया या फिर कम दिखाया, तो इस तरीके से क्या है कि आप कैश का जो रिसीव हो रहा है या कैश से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हो रही हैं, चाहे आप पेमेंट कर रहे हो चाहे आपको कहीं से मिल रही हैं, उस सब की जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो उसमें आप घपलेबाजी कर रहे हो, या तो उसको ज़्यादा दिखा रहे हो या कम दिखा रहे हो, तो वो होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। यहाँ पे आपके एग्जांपल हो सकते हैं कि आपने जो रिसीव किया, मान लो 5,000 रिसीव किए, वहाँ पे आपने सिर्फ 500 रुपये दिखा दिए अपनी बुक्स में, रिकॉर्डिंग लेस अमाउंट देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट, जो आपने एक्चुअली अमाउंट रिसीव किया है उससे आप कम दिखा रहे हो, ठीक है। आपने कोई पेमेंट नहीं की है पर आप दिखा रहे हो कि मैंने ये पेमेंट की है ताकि आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सको, तो यहाँ पे फिक्टिटियस पेमेंट आप दिखा रहे हो। रिकॉर्डिंग मोर अमाउंट देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट की है उससे ज़्यादा आप अमाउंट दिखा रहे हो कि भैया मैंने तो 5,000 की है तो और एक्चुअली में आपने कितनी की है, ओनली 500। तो इस तरीके से आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो सकता है। वहीं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि आप गुड्स से रिलेटेड चीज़ों को जो है ढालने की कोशिश कर रहे हो, ढकने की कोशिश कर रहे हो या फिर ज़्यादा ही उसको जो है दिखा रहे हो, यानी गुड्स की जो एंट्रीज आपकी हो रही हैं उसमें आप घपलेबाजी कर रहे हो। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज वेरी कॉमन स्पेशली व्हेन गुड्स आर नॉट बल्की एंड आर हाई वैल्यू। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो है बहुत ही नॉर्मल होता है। अब ये कैसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नॉर्मल हो सकता है, जहाँ पे गुड्स जो है वो बल्क में नहीं है पर हाई वैल्यू के हैं। ओनली प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ परचेज, और इसको आप कैसे बचा सकते हो, जब आप पूरी परचेज एंड सेल की प्रॉपर अकाउंटिंग करो तभी पॉसिबल है कि आपका जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का फ्रॉड जो है उसकी कमी हो सके, रिड्यूस हो सके। फॉल्सिफिकेशन और मैनिपुलेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉल्सिफिकेशन और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, माफ कीजिएगा अकाउंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट्स जो है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, जो कि आपका ये पॉइंट था फॉल्सिफिकेशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स में आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो कि आपकी अकाउंट्स की स्थिति हिल रही है, या तो आप जो है डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा चार्ज करके दिखा रहे हो, या फिर आप जो है डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स का ज़्यादा अमाउंट दिखा रहे हो, कम दिखा रहे हो, सेल परचेज कम ज़्यादा दिखा रहे हो, तो जो आपकी एक्चुअली स्थिति बन के आती है वो उससे अलग बन के आ रही है। अब इसमें आपके दो टाइप आ जाते हैं। पहला विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जहाँ पे आपकी एक्चुअली स्थिति ये है पर दिखाते हो आप कि मैं इतना हूँ, जैसे कि आज के टाइम में बहुत लोग करते हैं, उनकी वैल्यू इतनी होती है बट वो बोलते ऐसे हैं कि भैया हम तो यहाँ हैं। सो वट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग विंडो ड्रेसिंग, इसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, जहाँ पे आपकी स्थिति यहाँ है कम है परंतु आप दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा हो। अब ऐसा कोई क्यों ही करेगा, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपके अकाउंट्स आपके अच्छे बना के आप दिखाओगे तो आपको जो है आगे क्रेडिट मिल जाएगा, आपको लोन मिलने में आसानी होगी, आपके शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो यही कंपनी में पैसा लगाऊंगा, मैं तो यही कंपनी में मुझे जो है ट्रस्ट है। तो इस तरीके से आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को इस तरीके से शो करोगे कि उसकी स्थिति या बहुत बेटर है, एक्चुअली में आपकी नहीं है बट यू आर शोइंग दैट इट इज़ वेरी मच बेटर, तो वो एक मच बेटर पिक्चर दिखाने के लिए आप विंडो ड्रेसिंग करते हो। और इसका क्या क्या फ़ायदा आपके लिए, किस क्या रीज़न हो सकता है विंडो ड्रेसिंग करने का, कि आपको फर्दर क्रेडिट मिल जाए या फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस मिल जाए आपके शेयर होल्डर्स में, इस तरीके से आपके हो सकते हैं, और मार्केट में आपका जो है शेयर का वैल्यू बढ़ जाए, ये भी आपका तरीका हो सकता है। नेक्स्ट इज़ योर सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व यानी कि आप हो इतना पर आप दिखाते हो कि भैया मैं यहाँ हूँ तो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि आप जो हो एक्चुअली में आपकी क्या पोजीशन है कि आसमान में हो आप, परमात्मा हो, आपकी पूजा करनी चाहिए बट एक्चुअली में आपके दिखाते हो कि भैया मैं तो इंसान हूँ, मैं इंसान भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ मानुष हूँ वाला सिचुएशन आप दिखाते हो, यानी कि आप अपनी एक्चुअल स्थिति से बहुत नीचे दिखा रहे हो ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अब ऐसा कोई क्यों करेगा, अगर कोई अच्छा है तो वो दिखाएगा ना कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बट नहीं, आज के टाइम में फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनीज कोशिश करती हैं कि हम जो है अपना जो एक्चुअल पोजीशन है उससे कम दिखाएं। इसका रीजन क्या हो सकता है कि उनको जो है टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए। अगर वो दिखाएंगे मैं यहाँ हूँ तो भैया तुमसे टैक्स भी हम यहाँ का ही लेंगे, पर एक्चुअली में अगर आप कहोगे कि मैं तो यहाँ हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाने का पैसा नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ मैं बर्थडे पार्टी दूँ, होता है ना दोस्तों से कि भाई बर्थडे पार्टी दे दे, तो एक अक्षय कुमार की आजकल एक रील बड़ी घूम रही थी, मैं तो
मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, ये दोस्त हैं ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो वो सिचुएशन आप दिखा रहे हो कि भाई एक्चुअल में आप यहाँ पर आप दिखा रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आप रिड्यूस कर सको। क्या रिड्यूस कर सको? आप टैक्स का अमाउंट रिड्यूस कर सको, टैक्स का अमाउंट आप लायबिलिटी कम कर सको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिखाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप दिखाओगे मैं ये हूँ, तो आ जाएंगे मोदी जी कि भाई आप ये हो तो हमें भी दो, हमें भी पैसा दो, हमारी भी गवर्नमेंट को पैसा दो, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा दो इन द सेंस कि टैक्स दो, ठीक है, वो ब्रीफ वाला वो नहीं कि भाई रिश्वत दो, ये है कि टैक्स दो। टू कंसील द ट्रू पोजिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेटर, कि अपने कॉम्पिटेटर से जो है अपनी ट्रू पोजिशन कंसील कर रहे हो। साथ ही साथ जो है अगर आप दिखाओगे कि मेरी पोजिशन कम है, तो आपको वहाँ पर डिविडेंड कम बांटना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स में, या फिर आप डिविडेंड बांटोगे ही नहीं कि भैया हमें इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ कि हम आपको डिविडेंड दे सकें। तो ये सिचुएशन आपकी बनती है, और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपके ऑडिट के, कि आपके सारे जो है मिस रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करो, फ्रॉड्स को फाइंड आउट करो। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है अपने ट्रू एंड फेयर व्यूज़ उसको लेकर के बताए फाइनेंशियल पोजिशन को, और सेकेंडरी में कि ये सारे डिटेक्शन करे, प्रिवेंशन करे एरर्स के और साथ ही साथ फ्रॉड्स के। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।